मोदी ने काशी की महिलाओं के साथ नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में किया संवाद। 25,000 से ज्यादा महिलाएं हुई इस कार्यक्रम में सम्मिलित। बता दें कि आज काशी में बीजेपी के इस नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में खास बात ये थी कि पीएम मोदी के आगमन पर उनका स्वागत से लेकर मंच और माइक और अन्य व्यवस्थान की जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली थी। वही कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी महिलाओं से संवाद कर उन्हें संबोधित भी कर रहे थे। पीएम मोदी के नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद गीता शाके ने बताया कि पीएम मोदी ने अपने नामांकन से पहले हुए रोड शो के दौरान महिलाओं की भागीदारी देख काफी प्रसन्न हुए थे और इसीलिए उन्होंने अपना नामांकन के पश्चात महिलाओं से संवाद करने की इच्छा जताई थी, जिसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और निर्णय लिया कि पीएम मोदी की नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम की सभी तैयारियां और स्वागत और पीएम के मंच की व्यवस्थाओं को महिलाओं ने संभाला था। वहीं इस कार्यक्रम में वाराणसी से प्रत्येक बूथ से 10-10 महिलाएं शामिल हुई, जबकि कुल 25,000 महिलाएं पीएम मोदी के संबोधन कार्यक्रम में शामिल थी। आइए देखते हैं वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्टिंग कैमरामैन। आपको दिखा दें कि इसी रास्ते से पीएम मोदी जो है वो आगे अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जो भी कार्यकर्ता है, जो भी आम जनता है, जो भी नारी या जो भी महिलाएं हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर देखिए पीने के पानी की और पीने के शरबत की जो है वो पूरी व्यवस्था है। वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर चप्पे चप्पे पर नज़र है और पूरी तरीके से टेंट वगैरह भी लगा दिया गया है, चेयर की भी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी ज़्यादा आ गई है कि कुछ लोगों को अभी तक बैठने की जगह नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर एंट्री करने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही रास्ता है जहाँ से लोग कार्यकर्ता होते हुए डायरेक्ट अंदर जनसभा स्थल पर जाएंगे और कुछ ही देर में आपसे यहाँ पर पीएम आ रहे हैं। और पूरी 2-3 दिन से ही यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है चप्पे चप्पे पर और सभी तरह की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किया था वाराणसी से ही पीएम मोदी जी जो है उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और एक बार फिर से सांसद प्रत्याशी जो है वो वाराणसी के हैं। अब 1 जून को पता चलेगा क्योंकि 5 चरण का चुनाव अब तक हो चुका है, 2 ही चरण का चुनाव बाकी है। दूसरे चरण में 25 तारीख को एक चुनाव होने वाला है और आखिरी चरण का जो है वो 7वां जो चरण का इलेक्शन है वो वाराणसी में है 1 जून को। और इसके लिए वाराणसी में आने वाले 10 दिनों तक जितनी भी राजनीति हैं वो सभी अपना जमावड़ा बनाए हुए हैं, क्योंकि ये केंद्र माना जाता है, क्योंकि इसी के आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर कई सारे पार्टियों के जो है वो जनसभा होने वाली हैं, रैलियाँ होने वाली है और वो सारा कुछ वाराणसी से ही मैनेज होगा। नमस्कार, वाराणसी में आपका स्वागत है। मैं खुश रंगीना कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ और आज हम वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएँ हमारे साथ हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के जो जनसभा है उस सभा में सम्मिलित होने के लिए आई हैं और आज का जो पीएम मोदी का प्रोग्राम है वो नारी शक्ति वंदन यानी उनसे संवाद करने का प्रोग्राम है और उसी के लिए आज यहाँ की महिलाएं आई हैं। महिलाओं से कुछ बात करते हैं कि क्या उत्सुकता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आरती। क्या नाम है आपका? शकुंतला। कहाँ से आई है शकुंतला जी? अबलेशपुर से। अबलेशपुर कहाँ पड़ता है? चितईपुर के आगे। अच्छा, ये सारे लोग वहीं से आए क्या? हाँ हाँ। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर किस लिए जमा हुई है? आज मोदी के लिए। मोदी जी को देखने आई है? अच्छा, कौन लेकर के आया आप लोगों को? आप लेकर के आई हैं, क्या नाम है आपका? मैं रंजना। रंजना जी, आज आप अपना पूरा परिचय दीजिए कि कहाँ से आई हैं और ये महिलाओं को क्यों लेकर। मैं रंजना देवी, मैं अवलेशपुर की निवासी हूँ। मैं समूह के माध्यम से मतलब अवलेशपुर जोन की ALF हूँ। अच्छा। और मैं महिलाओं को इसलिए लेकर आई हूँ कि मोदी जी हमें इतना आगे बढ़ाने के लिए जो इतना बड़ा जिम्मेदारी लिए हैं तो हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी थोड़ा उनके लिए टाइम निकाल कर हम लोग आए हैं ताकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं कुछ हो सकता है उसके बारे में भी मोदी जी बताएं और हम महिलाएं समूह से जुड़े हुए हैं तो महिलाओं को कुछ हो सकता है। कितनी महिलाएं आई हैं आपके साथ? हमारे तरफ से 30-35 औरतें आई हैं। लेकिन ये सारी आप ही के मोहल्ले? जी जी जी। अच्छा, आप लोगों का कुछ विकास हुआ? 10 सालों से प्रधानमंत्री जी हैं गद्दी पर दिल्ली के, तो अब तो कुछ नहीं विकास हुआ। हमारा तो कपड़ा घर है। क्यों आपको पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, नहीं मैं राशन कार्ड बना है? हाँ, राशन कार्ड बना। आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ, दवाई कार्ड। उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है? नहीं, हमारे पास गैस नहीं मिला हमको। अच्छा, हम लिए एजेंसी से गैस। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलती है? नहीं मैडम, नहीं मिलता है। नहीं। अच्छा, इस बार आप लोगों को कुछ विकास के लिए जो हुआ है 10 सालों में विकास, वो आप लोग के घर तक पहुँचा है?
पहुँचा है? कुछ नहीं पहुँचा है। हम लोग के मोहल्ले में सीवर ही नहीं है। सीवर ही नहीं है, इतना पानी बरसात में परेशानी होता है। कौन से मोहल्ले से? औलेसपुर से। औलेसपुर की है? सीवर सब लोग, हम लोग है, सब लोग है। पानी हमने के रास्ता नहीं है, हमने के पानी नहीं है, कुछ नहीं है। रोड है कि नहीं? रोड रोड है, सब चीजें बंद है। सीवर नहीं है, रोड है, नाला नहीं है। हमारे पास 6 बेटियां है भाई। भाई देखिए, आपके मोहल्ले में सीवर नहीं है, नाला नहीं है, पानी की दिक्कत आती है। जो विकास होने वाला है, मोदी जी तो अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जो पास के जो लोग हैं वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। वहाँ के विधायक और प्रधानी कोटा में जितने भी लोग थे वो अपना अच्छे से कार्य नहीं किए हैं, तो उन्हीं का भड़ास आज महिलाएं यहाँ मोदी जी का मतलब। हम लोग भी देखिए, हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा है कि आप लोगों की जो भी बातें हैं वो आगे तक पहुँचाएंगे। आप लोग जब हम लोगों को बताएंगी तो हमारे थ्रू वो बातें आप तक आगे पहुँचेंगी। इतना पानी में ढूंढ जाए कि हो जाला, इतना बारिश होला कि घरे में हो जाला पानी। अच्छा, अगर मोदी जी आप लोगों से बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? यहां तक कि जो पीछे आबादी है, इतनी गंदगी है, उसी गंदगी में लोग रह रहे हैं। मच्छर है, क्या है, कैसे है, बीमार हर महीने में दवा करें। सभासद वहां के विधायक काम नहीं करते क्या? अब नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम कैसे बताएं। अब नहीं कर रहे हैं बाहर से ही, बाहर बारिश में जब बारिश होता है तो रोड में से। इस बार दिल्ली में फिर से मोदी जी को देखना चाहेंगे या सरकार पलटना चाहती? नहीं, देखना चाहते हैं, मोदी जी के ही देखना चाहते हैं। जितनी भी दिक्कत हो देखना मोदी जी को। हाँ, मोदी जी को देखना है। अच्छा, आज जो है टैक्स ले रहे हैं दीदी, तो कहेंगे देखेंगे नहीं। टैक्स ले रहे हैं तो देखेगा कौन? हम लोग देखेंगे? बिल दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं तो मोदी जी देखेंगे ना, कोई और देखेगा? शिकायत करने आ जाएंगे? कहे नहीं, क्योंकि सीवर नहीं लगा है, पूरा पानी भर जाता है हम लोग के गली में। और नहीं, एक अच्छा घर है, अब सबको आवाज दे रहे हैं, हमारे घर पे आवाज नहीं दे रहे, हमारे गांव में नहीं, देहात में नहीं मिला है। देखिए, ये औलेसपुर गांव के लोग हैं जो कि वाराणसी से ही सटा हुआ गांव है, और यहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर विकास की गंगा बनारस में बह रही है तो अभी तक वो गंगा इनके घर तक नहीं पहुंची है। सही कह रहे हैं आंटी जी? हाँ भैया, सही कह रहे हैं। गंगा, आप विकास की गंगा आप लोग के घर तक पहुँची है? नहीं पहुँची है, नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो विकास बह रहा है पूरे देश में, पूरे बनारस में, वो विकास आप लोगों के घर तक पहुंचा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। मैडम की आज पीएम की रैली में, जनसभा में आज आप लोग आई हुई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो विकास जो बह रहा है, जो विकास हो रहा है पूरे बनारस में, पूरे देश में, वो विकास आप लोग तक पहुँचा कि नहीं? अभी तक तो नहीं पहुँचा है, लेकिन अभी हम लोग को नहीं मिला है। आप लोग को नहीं मिला? आपको मिला है? हमको मिला है। इनको किस चीज़ का लाभ उठाया? हमने आवास का लाभ। क्या नाम है? महजबी बानो। महजबी, आपका क्या नाम है? सोनी खान। चलिए, तो आप लोग तक तो विकास पहुंच गया है, आगे देखते हैं कि आज पीएम के रैली में बाकी लोग जो उपस्थित हैं वो क्या कहना चाहते हैं।